अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को एक हेल्दी टिफ़िन बनाना है अपने बच्चों के लिए तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आपको इस रेसिपी के लिए आपको ऑयल चाहिए हाफ कप, इसमें दो अंडा चाहिए और इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस चाहिए। तो वेट इंग्रेडिएंट है, इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। फिर इसके अंदर आप जो है ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट भी एक साथ मिक्स करेंगे। तो 1/3 कप हम मैदा डालेंगे, फिर इसके अंदर हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, फिर इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, फिर इसके अंदर 1.5 टीस्पून सिनेमन पाउडर जाएगा और फिर इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक जाएगा। अब हमने जो अंडा और वेट इंग्रेडिएंट जो हमने बीट किया था एक साथ, उसके अंदर हम शुगर डाल देंगे जो कि है 2/3 कप। इसको अच्छी तरीके से वेट इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर लीजिए शुगर को। फिर हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, तो आप एक साथ पूरा मत छान के डालिए, पहले आधा डालिए और मिक्स करिए, फिर इस तरह पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के मिक्स करिए। फिर ऐसे हम इसमें एप्पल डालेंगे, एक पूरा एप्पल को आपको ग्रेट कर लेना है। फिर इसमें 1/3 कप गाजर को ग्रेट कर ले और फिर इसमें 1/3 कप कोकोनट, स्वीटेंड कोकोनट जो आता है वो डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर हम इसको बेक करेंगे। तो इसको अब पहले हम कपकेक्स में डालेंगे या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो पहले हाफ जो है वो मफ़िन का बैटर डालें, फिर बीच में क्रीम चीज़ डालिए, फिर दोबारा से क्रीम चीज़ को कवर कर दीजिए मफ़िन के बैटर से। ध्यान रखिएगा कि आप पूरा फुल नहीं कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये जो मफ़िन है बाहर निकल जाएगा। तो इसे आपको 20 to 23 मिनट बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे। और ध्यान रखिएगा कि आपको ओवन को पहले प्री हीट करना है। तो हमारा हेल्दी मफ़िन रेडी है। मैंने इसे टिफ़िन में दिया था बच्चों को, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी लगा था, पूरा टिफ़िन फिनिश होकर आया था। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस मफ़िन को, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सम न्यू बेकिंग या कुकिंग के साथ। जब तक के लिए ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, हमेशा खुश रहने का। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।